लॉकडाउन में दी गई छूट के समय भवारना बाजार में लोगों की काफी चहल पहल देखने को मिली। इस चहल पहल से दुकानदारों के चेहरों पर भी रौनक नजर आई। जो लोग बाजार में खरीदारी के लिए आ रहे हैं वो मास्क लगाकर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं। उज्जवल हिमाचल ने जब लोअर बाजार भवारना के व्यापार मंडल अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने कहा कि ग्राहकों को दुकान में आने से पहले उनके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है और साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी लोग मास्क पहने और बिना मास्क पहनने वाले व्यक्ति को दुकान के अंदर ना जाने दें। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी से बचाव के लिए एहतियात बरतना हम सब के लिए जरूरी है। बाजार में रौनक दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, वो लोग सोशल डिस्टेंस का भी पालन कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति बाजार में आ रहा है वो सरकार के नियमों का पालन कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहा है, मास्क लगा रहा है और सभी सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं। हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि बाजार में आए, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क का उपयोग करें। पहले से कुछ ज़्यादा थी और आज लोग पहले से ज़्यादा बाजार में आए और उन्होंने कुछ खरीदारी की। पहले तो उनको हम सैनिटाइज कर रहे हैं, उसके बाद हम उनको देख रहे हैं कि उनके पास मास्क है या नहीं। अगर उनके पास मास्क नहीं है तो वो उपलब्ध करा रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो रख रहे हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए भवारना से दीपांशु वंटा की रिपोर्ट।